रात के अंधेरे में गौ तस्करी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दो गौ तस्कर घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके से फरार दो अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। हरिद्वार में गौ तस्करी की घटना को अंजाम देने वाले गैंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई थी। इस मुठभेड़ में दो तस्कर घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने मौके से 11 जिंदा गौवंश बचाए और आरोपियों के पास से तमंचे, जिंदा कारतूस व गौकशी उपकरण भी बरामद किए। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी ने कहा कि रात के अंधेरे में अवैध धंधा करने वाले कुछ गैंग सक्रिय हैं, सभी हमारी रडार पर हैं और सभी का नंबर आएगा। गलत काम करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर जब पहुंचे तो वहां पर देखा कि 11-12 गाय बंधी थी और वहां पर गौ किसी के लिए कुछ लोग इकट्ठा थे। इसको देखते ही पुलिस ने जब घेराबंदी की, चूंकि अंधेरा था तो बदमाश भागने के लिए फायर किया और अपने जंगलों की तरफ, खेतों की तरफ भाग गए थे। जाओ ही फायर में भी जिसमें दो लोग को, एक को पहले गोली गई, उसमें जो है रिहान कुरैसी है जो भगवानपुर करने वाला, से पूर्व में काफ़ी सारे मुकदमे पंजीकृत है। साथ ही साथ कॉम्बिंग में नेक्स्ट बदमाश जो था उसके द्वारा जब घेरे उड़े में फायर किया गया तो उसको भी टांग में उसकी गोली लगी थी। उसको रुड़की सिविल अस्पताल, दोनों लोग को तत्काल वहां पर भेजा गया। दूसरा नाम है आस मोहम्मद, जो चांदपुर सहारनपुर के रहने वाला है। इस पर भी काफ़ी सारे मुकदमे और गैंगस्टर में कायम है। पूरी जानकारी से पता चला कि लोग सुयोजित तरीके से जो है गांव में इकट्ठा थे, वहाँ पूर्व से गाय अन्य माध्यमों से मंगा कर उसकी गौकशी की प्लानिंग थी। साथ ही साथ ही अन्य वारदात को भी मौका लगता है तो गैंग के साथ कर देते हैं। इसमें दो अन्य लोग फरार हैं जिनकी तलाश अभी हमारी टीम कर रही है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।